पुरानी पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार, बोले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पुरानी पेंशन एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता पर संवाद भी किया गया, जिस पर विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा सभी सवालों का स्पष्ट जवाब देते हुए कहा गया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के परिवार का ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन तत्काल बहाल करे, मैं आप सबके साथ हूँ और 27 फरवरी से आने वाली विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मामले को सदन में उठाऊंगा और ज्ञापन के बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखूंगा और मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करूंगा। अंत में उन्होंने बिंध के पुनर्निर्माण हेतु कर्मचारियों से सहयोग मांगा। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैहर विधायक जी के द्वारा भी एक विधानसभा जो भी ध्यानाकर्षण बना के देंगे, जो भी ध्यानाकर्षण बना के देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद, 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 नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद। राज्य मंत्री पद का उनको दर्जा प्राप्त आदरणीय विशेन साहब ने एक बयान दिया है कि हम यदि इन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है, इनका परिवार दुखी है, तो मैं दुखी हूँ, मैं इनकी मांग दिल्ली तक करूँगा। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ओल्ड पेंशन सभी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार भी है, संविधान का हक है। तनख्वाह के दम पर सभी कर्मचारी अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, जो भी बैंक बैंक में जमा होता सब निकाल के कर डालते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद यदि इन्हें घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो यदि पेंशन नहीं होगी तो ये घर परिवार चलेगा कैसे? इसलिए हर हाल में कौन दिल्ली ले जाता है, कौन कहाँ ले जाता है, एक अलग मामला है। बड़े लीडर हैं, सक्षम लोग हैं, उन्हें तो फैसला करना चाहिए। वो तो माननीय शिवराज जी के पास जाएं और बात करें कि आपके परिवार के लोग हैं, इनको इनका हक दे दिया जाए, इनका भी घर परिवार है, इनका भी उनके बच्चे हैं, इनको जो इनका वाजिब हक है वो मिल जाना चाहिए। ये कोई अलग से कहीं दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं, यदि वो आश्वासन दिए हैं तो हाल में इसका रिजल्ट मिलेगा। और चुनावी दौर भी है, चुनावी दौर में हो सकता है कुछ भी हो सकता है, पर इसके साथ ही बिंद इसके समस्त कर्मचारियों को मिल रही है। लेकिन वर्तमान में अभी सब हम शिक्षा विभाग के हैं और हमारे साथ एक नई समस्या हुई है कि हमने अभी तक अभी जित 20 वर्ष की सेवा हमारी शून्य कर दी गई है बीजेपी सरकार के 2018 से हमारी नियुक्ति मान रही। तो क्या कई जन्म होते हैं एक व्यक्ति के कि आज हम 95 में आए, फिर 98 हमारी नियुक्ति की गई, फिर 2007 में की गई, फिर 2018 में। तो क्या एक व्यक्ति के कई बार जन्म तिथियां बदल सकती है कोई? फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, इस सरकार से आप लोग आग्रह करें, ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हो सकता है कुछ न कुछ चमत्कार हो जाए और आपकी ये सभी मांगे पूरी हो जाए। भाई शारदा कृपा करें कि आप सब लोगों को शिवराज जी वहाँ से सोचे समझें कि कर्मचारी ही नाराज होगा, कर्मचारी की तो सरकार मांगी गई, तो कर्मचारी ही नाराज हो जाएगा तो चलेगा कैसे? तो भाई शारदा कृपा से आप लोग उनकी नज़र जाए और आपकी मांगे पूरी हो। पर फिर बार बार जो बोलता हूँ कि आप अपना प्रदेश का निर्माण करें और खुद का फैसला